कि काश कुछ ऐसा हो जाए, स्कूल का बस्ता फिर से मिल जाए, टीचर्स की मार फिर से मिल जाए, कि काश स्कूल का रास्ता खुल जाए। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मनीषा बजवाल और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव रांसी गांव से। अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं और मौसम आप लोग देख सकते हैं, धूप छिप चुकी है और आसमान में हल्के हल्के बादल भी आए हुए हैं, जो कि पहाड़ों के मौसम के हिसाब से ऐसा ही रहता है हमेशा ज़्यादातर। तो आज मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि मैं आई हूँ गांव के स्कूल में जहाँ से मैंने 8 पास किया है। तो बचपन से लेके और 8 पास मैंने इसी गांव से किया है, रांसी गांव से। तो यहाँ पे मैं आज लगभग 7-8 साल बाद आ रही हूँ, तो काफ़ी खुशी हो रही है। इस स्कूल की सबसे खास बात यह है कि यह गांव के शोर शराबे से बिल्कुल दूर बना हुआ है और नेचर के काफ़ी करीब बना हुआ है। यानी कि स्कूल के पीछे ऊपर जो पहाड़ी दिख रही है, तो यहां से पीछे पूरा जंगल वाला एरिया शुरू हो जाता है, तो गांव का शोर शराबा बिल्कुल कम सुनाई देता है। बाकी बात करें क्लासमेट्स की, मेरे क्लासमेट्स की, तो मेरे साथ कोई भी क्लासमेट अभी नहीं आया हुआ है क्योंकि कुछ लोगों की शादियाँ हो गई हैं और कुछ जो बचे हुए हैं तो वो सारे नौकरी करने के लिए गांव से बाहर गए हुए हैं। तो आज मैं इस स्कूल में लगभग 7-8 साल बाद आ रही हूँ और काफ़ी कुछ नया देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनमें काफ़ी चेंजमेंट हुआ है यहाँ पे। अभी मैं स्कूल के ग्राउंड में हूँ और पहले और अब मैं ग्राउंड के चारों तरफ काफ़ी चेंज हुआ है। पहले जो है ग्राउंड के एक इस साइड पेड़ थे माल्टे के, संतरे के जो पेड़ होते हैं, और एक पेड़ उस साइड ही था ओनली। लेकिन अब जो है ग्राउंड के चारों तरफ जो है फलों के हो गया और फूलों के पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, जो कि स्कूल की सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं। बाकी बिल्डिंग्स की बात करें तो काफ़ी सारी नई बिल्डिंग भी यहाँ पे बनी हुई है। तो ग्राउंड में आके जो है स्कूल के जो दिन थे वो याद आ रहे हैं, और यहाँ ग्राउंड में बैठ के हम लोग ना खाना भी खाते थे, तो वो सबसे ज़्यादा खुशी दे रहा है कि कितने खेल खेलते थे हम लोग इस वाले स्कूल में। और काव्या और नैनू भी देखिए कितने मज़े कर रहे हैं मेरे स्कूल में। तो ये रहा स्कूल का इतना बड़ा सा ग्राउंड, और यहाँ इस साइड जो है पहले एक भी पेड़ पौधे नहीं लगे हुए थे, लेकिन अब काफ़ी बड़े बड़े पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं। बाकी यहाँ ऊपर ये ना 8 क्लास है, जो 8 क्लास के बच्चे रहते थे तो वो इस वाले रूम में रहते थे, तो अभी भी शायद वहाँ पे 8 क्लास के बच्चे ही रहते हैं। ये 7 क्लास है और यहाँ पे जो ये बना हुआ है शायद स्टेज के लिए है, यानी कि जो प्रेयर होती है उस टाइम के लिए है, प्रेयर के लिए वगैरह। तो पहले ये भी नहीं था, यहाँ पे सिर्फ ये वाली बिल्डिंग थी और यहाँ पे ना खाना बनता था पहले तो। और अब जो है खाना बनाने के लिए जो किचन हो गया स्कूल का, तो वो अब उस तरफ बन गया है। बाकी ये टिन शेड भी पहले यहाँ पे नहीं था, तो काफ़ी सारा नया देखने को मिल रहा है स्कूल में, और जो कि ना स्कूल की जो पुरानी यादें थी, बचपन की यादें थी, उसको ताज़ा कर रही हैं। और काफ़ी सारा जो होता है मैं अपने क्लासमेट को अभी मिस कर रही हूँ, जो कि कभी कभार ही मुझे यहाँ रांसी आने पे मिलते हैं। और सामने के लिए नज़ारे आप लोग देख ही सकते हैं, क्या शानदार नज़ारे हैं स्कूल से सामने के। अभी जो ये प्रेयर के लिए स्टेज के लिए बनाया गया है, तो इसके जो साइड साइड ये पौधे लगाए गए हैं,
ये बहुत ही प्यारे लगे मुझे। जिसका भी आइडिया होगा काफ़ी बेटर है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी आप लोगों को ना ऊपर साइड ले चलते हैं। तो अभी मैं यहाँ ऊपर आ चुकी हूँ और ये वाला जो रूम है ना, ये हमारा कंप्यूटर क्लास हुआ करता था। यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर की पढ़ाई करने के लिए जाते थे। बाकी आप लोग इस साइड देख सकते हैं, चारों तरफ जो है फूल लगाए हुए हैं, जिनमें कि प्यारे प्यारे फूल हो रखे हैं। स्कूल अच्छा है मम्मी का? और पीछे गांव कैसा है? अच्छा है ना गांव भी? देखो कितनी प्यारी लोकेशन है, कितना प्यारा सा गांव है। और यही वो गांव है जहां से बड़े बड़े यूट्यूबर क्रिएटर बने हुए हैं, और जो कि आप लोगों को पहाड़ों के खूबसूरत से नज़ारे हो गए और पहाड़ी परंपरा दिखाते। तो अभी ये वाली जो बिल्डिंग आप लोगों को दिखाई दे रही है, जब मैं 6 में पढ़ने के लिए यहाँ पे आई थी तो सबसे नई वाली बिल्डिंग यही उस टाइम पे हुआ करती थी। और यहाँ पीछे आप लोगों को बड़ा सा बरामदा भी दिख रहा होगा। तो जब कभी ऐसा होता था कि सुबह ही बारिश हो जाती थी तो इसी बरामदे में हम लोग प्रेयर करते थे। और कभी कभी जैसे कोई बड़े फंक्शन करने होते थे जब बारिश होती थी तो यहीं पर सारे प्रोग्राम्स अटेंड होते थे। अभी शाम के 6:30 हो गए हैं और तब से हम लोग यहाँ पे स्कूल में घूम ही रहे हैं। बाकी आप लोग इस तरफ आप लोग चेक कीजिए, यहाँ भी काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। यहाँ पे 2 रूम बने हुए हैं जो कि 9th और 10th के क्लास तब तक उस टाइम पे हुआ करती थी। और अभी भी बाहर से यही लिखा हुआ है क्लास 9th और क्लास 10th, तो शायद अभी भी क्लास 9th और 10th के ही रूम हैं। बाकी ऊपर आप लोग देख सकते हैं इसमें टिन शेड का नया बना हुआ है, तो ये आजकल ही बना हुआ है। बाकी ऊपर भी एक आध बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ का मुझे पता नहीं है कि कौन से रूम वहाँ पे बने हैं, तो मैं वहाँ जाऊँगी भी नहीं। तो बाकी जो क्लासमेट होते हैं मेरे, मतलब जो क्लासमेट थे वो हो गया, और जो टीचर्स थे सभी को यहाँ पे आके सभी की काफ़ी यादें आ रही हैं। और स्कूल में जो टाइम स्पेंड किया यहाँ रांची के स्कूल में, तो वो सबसे बेस्ट मेरे लाइफ का वो टाइम था। तो उस टाइम जो है यहाँ पे 6th से लेके और 10th तक स्कूल थी, और मैंने यहाँ पे सिर्फ 8 पास ही किया है। 9th और 10th मैंने मनसुना से किया, 9th 10th और 11th 12th मैंने अपने मायके से किया है। तो उसके बाद मेरी सीधे शादी हो गई थी, तो काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे आके। वैसे क्लासमेट कोई साथ में कोई दोस्त आया नहीं, तो कहाँ से आते, कोई घर पे फ्री है ही नहीं आजकल। तो वो काव्य और नैनू के साथ ही काफ़ी इन्जॉय मैंने यहाँ पे किया। और सामने के नज़ारे आप लोग देख ही सकते हैं, चेक कर सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है ये देखिए। और इसी गांव से काफ़ी फेमस यूट्यूबर हैं जिनको आप लोग जानते ही होंगे। रांसी गांव से कितने सारे यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं ना। तो ये जो जगह है ना, यहाँ पे घंटी लगा कर रही थी और अभी भी घंटी के लिए यहाँ पे ये जगह बनी है। तो चलिए घर की तरफ चलते हैं अब, और हम लोग मेन रास्ते से नहीं जाएंगे, उस रास्ते से जाएंगे क्योंकि वहाँ से नानी की गौशाला के लिए रास्ता है। तो वहीं से हम लोग जाएंगे क्योंकि नानी गौशाला आई हुई है और गौशाला यहाँ से थोड़ी दूर पे है नीचे, तो वहीं से हम लोग सीधे घर को चलेंगे। Ha ha ha!
ये जगह और ये गांव मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि यहाँ मेरा बचपन बीता है।